नौझील के गांव भूरे का मरहला में छात्राओं ने सीएम को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर मंगाने की मांग की थी। कारण ये कि तहसील मार के गांव भूरे का मरहला आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क सुविधा से महरूम है। 400 के करीब आबादी वाले मरहला गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। पक्की सड़क तो दूर, कच्चा रास्ता बनाने की जहमत ना तो पंचायत प्रतिनिधियों ने उठाई और न ही राजनेताओं ने। हर बार चुनाव के दौरान नेता सड़क को पक्का करवाने की बात तो कह जाते हैं, लेकिन चुनावों के बाद सड़क को पक्का करना तो दूर, गांव की ओर रुख भी नहीं करते। ग्रामीणों ने भी ऐलान करते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनावों से पहले रास्ता नहीं बना तो इन चुनावों का पूरा गांव बहिष्कार करेगा। मरहला गांव के हरप्रसाद का दर्द भी कुछ ऐसा है, आधी से ज्यादा उम्र बीतने के बाद भी आंखें पक्के रास्ते का सपना देख रही हैं। उनका कहना है कि जो भी सरकार बनती है वो वोट बैंक की खातिर राजनीति करती है। सत्ता में आने के बाद उनका गाँव गरीब गाँव के विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं रखता। सबसे ज्यादा दिक्कत तो स्कूली छात्र छात्राओं को बरसात के मौसम में होती है, जब पूरी सड़क दलदल और नदी का रूप ले लेती है। इसी के चलते स्कूली बच्चों समेत रोजमर्रा के गंतव्य स्थल की ओर जाने वाले व्यक्ति कभी कभार तो पहुंचते ही नहीं हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो अक्सर देरी से। बीते बरसात के दिनों में यहाँ की छात्राओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हेलीकॉप्टर की मांग की थी। छात्राओं ने लिखा था कि स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, प्लीज आप हेलीकॉप्टर भेज दें, हमें स्कूल जाना है। ये खबर जब मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई तो जिला प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों ने गांव की कच्ची सड़क का निरीक्षण किया और 1,08,00,000 के लगभग प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया। लेकिन बरसात के दिन बीतने के बाद भी यहां जब प्रशासन ने सुध नहीं ली तो छात्राओं ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर एक पत्र लिखा है, जिसमें छात्राओं ने स्कूल जाने को पक्की सड़क मांगी है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है, योगी जी प्लीज सड़क बनवा दो। नाम है आपका? मेरा नाम सपना कुमारी है। सपना बेटा, क्या समस्या आ रही है, क्या है प्रॉब्लम? हमको ये प्रॉब्लम है कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं स्कूल? क्योंकि रास्ता खराब है। कब से खराब है रास्ता? जब से हम स्कूल जाने लगे हैं तभी से। तो कोई बनवा नहीं पा रहा है, समस्या क्या आ रही है, कोई अवरुद्ध है उस मार्ग में, क्या है? हाँ, गाँव वालों ने सभी ने दिया है अवरुद्ध, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने संज्ञान दिया था, लेकिन कोई काम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊजी भारद्वाज है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मरहला भूरेका का रहने वाला हूँ जी। भारद्वाज जी, समस्या क्या है, क्या कहना चाहिए? समस्या ये है जी कि हमारा एक रास्ता है जो कि 1800 मीटर का है जी, हसनपुर से मरहला के लिए, और जब से हमारे पूर्वजों के ज़माने से ही ये ऐसा ही टूटा फूटा चला आ रहा है, और हम भी इसको ऐसे ही देखते आए हैं, और हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी यही समस्या है जी। आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई मट्टी नहीं पड़ी, कोई खरंजा नहीं लगा। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमारा रास्ते का कभी नंबर नहीं आया। बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती? बच्चों को पढ़ाई में इतनी दिक्कत आती है कि बारिश के मौसम में तो यहाँ से रास्ता ही नहीं रहता, और अब की बार जब बारिश शुरू हुई तो CDO साहब और DPRO साहब और BDO मैडम, इंजीनियर वगैरह, काफ़ी 3 गाड़ियों में भर करके काफ़ी स्टाफ आया जी, और स्टाफ आने के बाद उन्होंने यहाँ से बम्बा के पुल तक जो 1/2 किलोमीटर का टुकड़ा है उसका सर्वे तो ठीक किया, लेकिन वहाँ से उन्होंने रास्ता घुमा दिया। जिस रास्ते को हमने उनको दिखाना चाहा वो उस रास्ते पर नहीं गए जी, क्योंकि उसमें पानी भरा था, उनको डर था कहीं हम गिर ना जाएं उसमें, क्योंकि हमारे बच्चे गिरते हैं और डेली गिरते हैं। तो उन्होंने बम्बे की पटरी से होकर के रास्ता चेंज कर दिया जी, और हमको जाना था हसनपुर, ले गए वो हमको बेरा जी, जो वहाँ बेरा जाता है, जरारा राजवा है, उसकी पटरी से वो हमको ले गए बेरा जी, और जाकर के कहने लगे कि यहाँ से आप टेम्परेरी व्यवस्था भी करा देते हैं, ये जो मूज खड़ी है उसको कटवा देते हैं, आप यहाँ से निकलना चालू कर दीजिए, बारिश समाप्त होते ही हम आपका ये जो है हसनपुर से मरहला का जो 1800 मीटर का टुकड़ा है इसको हम करा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है सर। किस गांव के रहने वाले हैं आप? मरहला का रहने वाले हैं सर, भूरे का मरहला। क्या समस्या है यहाँ पे? हमारी समस्या ये है गांव की, तो बसपा सरकार में जो हमारे गली खरंजा बढ़िया बन गए सर, पर हमारी एक आम रास्ता है हसनपुर से आने के लिए, वो उसमें बरसात में काफ़ी पानी भर जाता है साहब, बड़ी परेशानियाँ आ जाए, स्कूलों के काज बच्चा ना आ जाए 2-3 महीना सर, और शादी ब्याह हर बार इनाया में जी, गर्भवती स्त्री हैं,
जो बच्चा होना है गाड़ी तक नहीं आती है, बच्चा गर्मी मर जाते हैं सर। दो एक केस हो गया है ऐसा कि बच्चा गुजर गए। हमारी कोई सुविधा नहीं करी सरकार ने साहब। सरकार अभियान चला रही है गड्ढा मुक्त, एक तरफ सड़क को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रही है सरकार। क्या आपके गांव में कोई सड़क ऐसी बनी है जो कि मेन रोड से जुड़ी हो? जी नहीं, कोई नहीं बनी है सर। पिछले बरसात में यहां पे एक समस्या आई थी, बच्चे पैदल पैदल जा रहे थे और पानी में गिर रहे थे, तो उसके लिए प्रस्ताव हुआ था। क्या हुआ, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं? निर्माण ये कर गए सर, थोड़े से झुंड बम्बा पे कटवाए गए सर 2 लाख रुपया। प्रधान और कुछ साहब आए का कोई खाए गए सर, वहाँ में 9 आदमी लगे सर कुल। और कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ, न ये फावड़े थे मट्टी डारी न कोई गड्ढा टाए, वो गड्ढा और सड़क और पटरी भी तैयार है। हमारे गाँव में साहब भारी परेशान है, भारी दुखी है साहब। ये पड़ता कहाँ है आपका गांव? ये भूरे का मरहला है साहब। नौजिल में पड़ता है? नौजिल में पड़े साहब। तो क्यों नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा है साहब? कोई सुने ही ना है साहब गांव की। साहब शिकायत की है इसकी कहीं? खूब करी है साहब शिकायत, कोई सुने ही ना बाबू जी कोई। मगर गांव के लिए कोई पक्का रास्ता ही नहीं है? रास्ता ही ना है साहब, बच्चे न कून कोई आदमी रात रात में लेकर भी कोई सुविधा ही ना है साहब। पानी बढ़ जाए लेकर ही ना जाए सोन प्रकाश साहब। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने आपके? सोनपुर जाए साहब। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ जी। यहाँ विद्यालय नहीं है? विद्यालय पास तलाक को यहाँ कोई पढ़ावे ही ना साहब इतनी।